उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज होती जा रही है, ऐसे में प्रत्याशियों की और नामांकन की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। जनपद में आज नामांकन के पांचवें दिन मिल्कीपुर विधानसभा सपा प्रत्याशी व पूर्व कैबिनेट मंत्री अवधेश प्रसाद ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद मिल्कीपुर से सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने 10 मार्च चुनाव रिजल्ट घोषित होने को लेकर अपनी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि 2022 के इस विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है। वहीं कहा कि पिछले 5 सालों में भाजपा सरकार से बिगड़ी कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार व गुंडाराज के कारण लोग त्राही त्राही कर रहे हैं और इस बार जनता भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। वहीं दूसरी ओर उन्होंने मिल्कीपुर विधानसभा के लोगों व किसानों को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के वायदे पर भी बल दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह किसान छुट्टा जानवरों की समस्या से परेशान था और बार बार आवाज उठाने के बाद भी उसे राहत नहीं मिली है, लेकिन इस बार यदि सपा सरकार आई तो किसानों की समस्या को दूर कर उन्हें राहत दिलाया जाएगा। भाइयों को, सम्मानित बहनों को, सम्मानित नौजवान साथियों को और समाज के सभी वर्गों को, समाज के सभी वर्गों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं कि जिस तरह से जनता में माननीय अखिलेश यादव के प्रति, समाजवादी पार्टी के प्रति यकीन और विश्वास बढ़ा है, ये बात तय हो गई है कि निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में बनेगी। और मैं मिल्कीपुर की महान जनता के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि चुनाव जनता ने अपने हाथ में ले लिया है। क्या उपलब्धि है? और उपलब्धि है कि हमारी सरकार थी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, सरकार थी 12 से 17 तक तमाम विकास की योजनाएं, शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, सड़कों के संबंधित बनाया था। लेकिन अफसोस है कि जो हमारी योजनाएं थी ये जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हमारी योजनाओं पर पानी फेर दिया गया। कहने के साथ मैं कहना चाहता, बताना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में टक्सरा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज टक्सरा शानदार बिल्डिंग बनवाया था, इलाके में बेटियों के पढ़ने के लिए, शिक्षा की कमी को पूरा करने के लिए किया था, बिल्डिंग बनके तैयार है। ऐसी बिल्डिंग बनी है कि शायद फैजाबाद के GGIC की बिल्डिंग नहीं है, लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है वहाँ पर सांड रह रहे हैं, वहाँ पर सांप रह रहे हैं, पढ़ाई का कोई बंदोबस्त इस सरकार ने नहीं किया है। जनता के सामने आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बताने का, जवाब देने का उत्तर नहीं है आखिर क्या कसूर था इस जनता का। यही नहीं, हमने यहाँ देवगांव में जो खलिया इलाका है यहाँ से 60 किलोमीटर पड़ता है, अस्पताल बढ़िया बनवाया था और ये मंशा था कि गंभीर से गंभीर अगर बीमारी हो तो लोगों को ट्रामा सेंटर न जाना पड़े, लखनऊ ना जाना पड़े, ईश्वर करे कोई बीमार ना हो। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कोरोना जैसे महामारी काल में भी हमारा अस्पताल नहीं चलाया गया, आखिर क्या कसूर किया था उस जनता ने वहाँ पर? सांड, आज चले जाओ तो सैकड़ों की तादाद में सांड हैं, सांड वहीं पर बैठते हैं और